बता दिन दहाड़े नौ मादे सूबेदार पान सिंह ने उसने अपने भैया का बदला लिया है और पुलिस कछु ना कर पा रही तो पुलिस का कर लेगी पुलिस डाल डाल तो पान सिंह पाच पात यो कहते हैं फौज से निकलो भयो है अरे बाप लाओ सिरे निकालो निकालो पैकेट पैकेट लो पकड़ो काते झोल कर लाए भाई बड़े किरकिरे दिखा रहे हो तुम अभी तेरे देखी कहाँ हमारी सवेरे अखबार के फ्रंट पेज पे देखी हो हमारी फोटो ना छपी ना तो जिसमें कुत्ता खाए उसमें खिला दियो काए पान सिंह के गिरोह में शामिल हो गए होगा तुम्हें कैसे पता कहा उसे कहमत दियो हैं हाँ नीली बुशर्ट पहने हाँ नीली बुशर्ट हाँ भाई जी नमस्ते 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 जी हैं पत्रकार हाँ किसी को बताया तो नहीं ना ना फौजी हैं जी हाँ वक्त के बड़े पाबंद है बिल्कुल काम है बे तक मौड़ी हमारे पास रहेगी लाली ऐ चुन्नू बेटा तू यहाँ पे रहियो काका के पास थोड़ी देर की बात है तो मिठाई खिलाएंगे ते पसंद की चमचम खाएगी ना तू अब पीछे दिखाएंगे तो ते मन पसंद ठीक है ख्याल रखना भाई साहब सुनो भाई साहब एक मिनट दे रखो अपने पास ख्याल रखो जागो आप हमारी लाली ठीक तो रहेगी ना तुम्हारी नियत पे है अबे आगे से दाएं जाके जो गोल चक्कर पड़ते है ना पंजे मोड़ ले आजा आजा हाँ। पत्रकार आए गए सूबेदार चचा हमने पहचान कर ली सुन सुन भाई साहब हम कहा बुलाया हमने चचा ठीक रहो ठीक है सूबेदार ही बोला हमने बहुत धन्यवाद सुबह साहब जी आपके दर्शन भाई जी इंटरव्यू जो है मेरे काजी बहुत इंपॉर्टेंट है जेब में हाथ तो ऐसे डाल रहा हुआ है जैसे बम निकाल रहा हुआ है जादे 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 चाचा हम नीचे बैठे हैं अरे बैठ जाते ही नीचे बैठने में कोई तकलीफ छोटे हो हमसे मेजर चौहान के भतीजे हो सगे फूफा हमारे फौज में काहे नहीं गए हुकम पो लिखने का शौक है ना आपका आशीर्वाद था तो एक दिन बड़े लेखक बनेंगे आराम का काम है तबीयत चर्बी चढ़ी हुई है छांटो इसको कल से रोजाना 4 किलोमीटर दौड़ शुरू कब कल से कल से ठीक से कब कल से काका कल से हुकम शुरू करें हुकम आप डकैत कैसे बने अरे तू बुरो पत्रकार बन गए कि ट्रेनिंग पे है
सच्चे इलाके का होके भी पतो नहीं है। बीहड़ में बागी होते हैं, डकैत मिलते हैं पार्लियामेंट में। चलो हटाओ ये सब बंद। नहीं नहीं नहीं, सुबह हो गया, माफी दे दो, माफी दे दो, जाओ, गलती आ गई, बस हो गया। जिन आए हमारे कहने को मतलब ये कि आपका करियर यानी कि बंदूक आपने पहली बार कब उठाई, ये क्वेश्चन। अंग्रेज भगे इस मुल्क से, बस उसके बाद पंडित जी प्रधानमंत्री बन गए और नव भारत के निर्माण के संगे संगे हमाओ भी निर्माण शुरू भाव। रामचरण, हाँ देखियो कुआर है, आया रो, अब भैया जय आ, कुआर है, देखियो तो, ये कौन आ रहा है? कोई आया है? आवो घर आवो रे ओ चंदा रे, अब लो घर आवो। ये तो हमारा लल्ला है को, अरे लल्ला आ को। ग्वालियर से सवर की सीधी बस ना है, मिर्ची रेलवे गए थे, भूले ना है, फौज में अंदर हो गए। हमारी ना है तो बहू की तो सोच तो खाबे कुछ मिलेगा, इंक्वायरी चलती रहेगी। लाओ तुम्हारी मदद करें, लाओ। रहन दियो, हमें अकेले रहने की आदत पड़ गई है, आदत ना बिगाड़ो। आदत पड़ गई तो चले जाएं वापस। जाओ, इतने तुम गए, उतने हम कुआं में। अच्छे छुपे बैठी हो, बहुत तगड़ा भागती हो, एकदम मुर्गा की तरह। बिल्ली, बिल्ली। हम तुम्हारे लिए कथा रखवाए हैं, सबूत ही लगे। अरे मुंह तो दिखाओ। क्या तुम्हें भी लगी कि हम खत्म है गए? ऐसी बात कहलाती छुपा पे पत्री दिखाई आते हमने तुम्हारी। पंडित जी बोले तुम्हारे पैर एक जगह टिकने वाले ना है, हमें पता थी चाहे जो है चाहे तुम हमारे पास लौटोगे जरूर। ये आर्मी है, सरकारी दफ्तर नहीं कि कोट टांगा और निकल गए। दो दिन लेट कैसे हुए? श्रीमान माँ बीमार थी। श्रीमान मेरी शादी थी। फौज पहले, फैमिली बाद में। और तुम? श्रीमान हमारी तो फसल खड़ी थी, उसको कैसे छोड़ा थे? तो तुमको भी खड़ा नहीं रहने देंगे। अपना सामान सर पर रखो और 10 राउंड मारो। एक दो एक अटेंशन, हम खाली एक। 10 राउंड हो गए साहब। तुम मुझे बेवकूफ समझ रहे? हम थोड़ा तेज भागे श्रीमान, हमें भागने में कोई परहेज नहीं है। चलो देखता हूँ, दोबारा से 10 राउंड लगाओ। सामान के साथ, सामान के बिना श्रीमान। तुम्हारा नाम? राकेश। मेरा नाम जितेंद्र सिंह है। कौन है ये? सर नया रिक्रूट पान सिंह तोमर। पहली बार देख रहा हूँ कोई सजा का मजा ले रहा।
फीस 37 रुपये। अरे पान सिंह, 2 रुपये में महीना कैसे निकालोगे? ओ यार, हमारी देखभाल तो मिलिट्री कर रही है, हमारी वाइफ को बेटी हुई है। फिर तो बताइए यार, अब इसकी देखभाल तो वही करनी है। हाँ मुबारक। अरे भाई, खाने के लिए जीते हो या जीने के लिए खाते हो? जीने के लिए तो रोटी है, खाने के लिए हलवा। चाहो तो उठा लो। ना उठा लो। ना बस। पांड सिंह, ये बटालियन है, बरात नहीं। राशन फिक्स है, तू सबको भूखा मारेगा? हमारी खुराक थी तो क्या करें? स्पोर्ट्स में जाओ, वहां खाने पीने पे कोई पाबंदी नहीं है। Bye, Mrs. Thank have you. A great time Thank in Gwalior. Bye-bye. Bye, ma'am. Bye. Have a safe trip. अंग्रेज दो चीजें अच्छी छोड़ गए सर। एक ये डिसिप्लिन और दूसरी आइसक्रीम। मैंने आपके लिए मंगाई है। टेक सम होम, मैम विल लव इट। ओ नो 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 यार, घर पहुंचते पहुंचते आइसक्रीम पिघल कर मिल्क शेक बन जाएगी। गुड बोल। हमको स्पोर्ट में ले लो, सुना वो खाने में पाबंदी ना है। स्पोर्ट्स? क्या खेलते हो? साहब जो खिलाई खेल ले, हम तो भजते ही बहुत तेज है। ये भजना क्या होता है? भगते भगते। अच्छा एक काम करो, ये आइसक्रीम मेजर साहब के यहाँ पहुंचा कराओ बिना पिघले। तुम स्पोर्ट्स में। साहब पता दे दो। ये मेजर साहब ने भेजिए, अब देख लो पिघली नहीं है। वक्त कितना होगा? 9 बज रहे होंगे। क्यों? आप उनको बोलना 4 मिनट के अंदर पहुंच गई। व्हाट? यही तो था वो 4 मिनट में आइसक्रीम लाने वाला। लेकिन कहता है स्पोर्ट्स में खुराक के लिए आना चाहता है। स्पोर्ट्स में ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है उसका। हमारे पिताजी ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी और हमें यहाँ भेज दिया मिलिट्री में, देश की सेवा करने के लिए। मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं चला पाऊंगा बंदूक। तुम नहीं रे गधे, कहो वहाँ। अरे कहो वहाँ। हाँ जी। हाँ काहे नहीं चली गोली? कंधे में लगा बट्टा एक आंगमीज, निशाना लगा, खींच रहे उंगली, चल पड़ी गोली। क्या हो रहा है यहाँ? जी साहब मोड़ा नया है, हम बंदूक चलाना सिखा रहे सर। वो नया है और तू यहीं पैदा हुआ था? हाँ साहब, बंदूक से हमारा पुराना हिस्सा है साहब, हमारे मामा के पास चाचा मागती है साहब। अच्छा तो जरा निशाना लगा के दिखा।
5 राउंड ग्रुप फायरिंग। खड़े हो जाओ। साहब कहां से हो? गांव भिड़ों से जिला बुरेने साहब। ओ चंबल डाकू एरिया। डाकू ना साहब, बागी। हमारे मामा बागथरी वाले बेबी बागी हैं साहब, बड़ी इज्जत है उनकी। आज तक पुलिस ना पकड़ पाई उनको। पान से। श्रीमान तुमने बताया कि तुम्हारे मामा डाकू हैं? ना डाकू ना साहब, बागी, बड़े भले आदमी हैं साहब। देखो जितना पूछा जाए उतना जवाब दो। रिकॉर्ड्स में तो नहीं है, लेकिन क्या कभी किसी जुर्म के सिलसिले में जेल गए हो? हम का हमारे मामा तक नहीं गए साहब, पुलिस पकड़ ना पाई। क्या कहा था मैंने? जितना पूछा जाए उतना जवाब दो। सर सरकार में विश्वास रखते हो? ना साहब, सरकार तो चोर है। यही बात से तो हम सरकारी नौकरी लेकर फौज की नौकरी में हैं। ये देश में आर्मी छोड़ सबका सब चोर। देश के लिए जान दे सकते हो? हाँ साहब, ले भी सकते हैं। देश जमीन तो हमारी माँ होती है, माँ पे कोई उंगली उठाए तो फिर कचुप बैठेंगे। फौज का मतलब होता है अनुशासन। तुम्हारा कोई बड़ा अफसर तुम्हें कोई भी आदेश दे उसे पूरा करना होता है। तुम्हें जो भी आदेश मिले उसे पूरा करोगे? साहब हमें तो चौथी कक्षा फेल है अभी, हम तो किताब कम आदमी ज्यादा पढ़े। अब आप जैसा अफसर आदेश देगा जान लगा देंगे साहब। पर साहब ये बटालियन में कछु ऑफिसर सिर्फ नाम के ही हैं, किसी काम के नहीं है, बेकार। अब बे आदेश देंगे तो कछु सोचने पड़ेगा साहब। सर मैं इसे बात करता हूँ। गलत बात है। पान सिंह इट्स ओके, तुम बाहर इंतजार करो। तेवर देखे इसके? मामा बागी है सर। ग्रेट, आर्मी ऑफिसर्स किसी काम के नहीं है सर। ही इज द बेस्ट रेसिपी फॉर ए म्यूटिनी, वी हैव टू डू समथिंग अबाउट हिम। मेरे को एक आइडिया सर। मैं क्या सोच रहा हूँ, हम लोग इसको आर्मी फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर में भेज देते हैं। वहाँ ये दौड़ेगा सर और इसका सारा गुस्सा जमीन पर निकलेगा। इसके गर्म तेवर का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। आपने उसे दौड़ते हुए नहीं देखा सर? नहा के आया? जी सर। हैं? जी। या उस तरह ही आ गया? मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। और भाई गुरबीर ठीक है? सास्त्रीकाल। सास्त्रीकाल सर जी। वार्म अप शार्म अप हो गया? कर लांगे सर, अप्पा तो उतना ही गर्म रहने हैं। चलो भाई, कह रहे हैं कि 5000 मीटर वाले। ओए आजो भाई आजो, चलो रेस शुरू करिए। जय हिंद कोच सर। जय हिंद। ओ तू तो पीजी वाला हैगा? हाँ सर। 5000 दौड़ेगा? हाँ सर। आ जाओ फिर। और नाव की है तेरा? मेरा नाम पान सिंह तोमर है सर। एथलीट्स ऑन योर मार्क।
जय हिंद सर जी। जय हिंद। पान सिंह रुक, तेरे गल करनी मैं। का कही? वो तेरे साथ बहुत जरूरी बात करनी मैंने। आ। ओ यार तू मेरी बात का बुरा मत मानियो। सत श्री अकाल कोच साहब। सत श्री अकाल भाई। तू ऐसा कर, ये 5000 मीटर की दौड़ ये तू छोड़ दे। छोड़ दे? हाँ। 5000 छोड़ दूं? ओए सर, जेई के लिए तो मेजर साहब ने हमें यहाँ भेजा है। और मैंने तेरे वास्ते कुछ और सोचा हुआ है। तू अच्छा दौड़ता है, तेरा स्टेमिना भी बहुत है, और मैं तुझे दूसरी इंपॉर्टेंट दौड़ देता हूँ ना। सर जी, इतने महीनों से मैं यही तो प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अभी 2 महीने बाद तो डिफेंस मीट है जिसमें हमको मेडल लाना है। और यार तू डिफेंस मीट की बात कर रहा है, मैं तुझे नेशनल चैंपियन बनाने की बात कर रहा हूँ। हाँ तो आप 5000 बना दो। मेरी गल सुन, ऐसा है तू 5000 मीटर दौड़ेगा तो गुरबीर हारेगा। हाँ तो उसका उसका मेरे से क्या लेना देना? वो बात समझा कर यार, मेरी बेटी गुरबीर के भाई के साथ ब्याही हुई है। मेरी बेटी उस तरह ही वहां पर गुरबीर हारेगा तो उसका भाई उसके हारने का बदला मेरी बेटी से लेगा। यार तू बात जब गुरु की बेटी की है, अब तो आप अंगार पे दौड़ने के बोलोगे दौड़ जाएंगे सर जी। जिंदर है पुत्र, तू अंगार पे नहीं, तू पानी पे दौड़ेगा। पानी पे? तू स्टिप्पल चेज दौड़ेगा। ओए स्टिप्पल चेज। हाँ सर, दौड़ेंगे सर। अपनी जो ये स्टिप्पल चेज होती है ना, ये पहले सिर्फ घोड़ों की रेस हुआ करती थी, बाद में इसे एथलेटिक्स में ले आया गया। ध्यान से देख, इसमें 28 हर्डल बैरियर होते हैं, ते 7 वाटर पिट, पानी के खड्डे पार करने पड़ते हैं। भाई घोड़े और खच्चर दौड़ लेते हैं, तू तो फिर शेर पुत्र है, हैं? कंपटीशन का लास्ट इवेंट 3000 मीटर स्टीपल चेज। कंपीट करने वाले खिलाड़ियों से अनुरोध है कि वे अपने मार्ग में पहुंचे। पहले स्टेमिना बचाना, रिदम बढ़ाना तेरी आदत है। पीछे मुड़ मुड़ के देखता है तू, पीछे क्या देखता है, अपनी बरात? पान सिंह तोमर, दलजीत सिंह और ज्ञानेश परमार, बंगाल से सुधांशु मंडल, उड़ीसा से सजेना। सर जी थोड़ी प्यास लगी, थोड़ा पानी। पानी पीता रहेगा, दौड़ने का कंपटीशन है, भुगतने का नहीं है। Thank you.
हार गया ना मां कटना मैं तेनू इत्थे ही गाड़ देना इसे ग्राउंड दे विच नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक किया भाई तुमने ओए कमाल करता है मेरे शेर पुत्र पाल सिंह है 9:12:09 और तू नेशनल चैंपियन बन गया ओए और तूने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया और मैंने कहा था ना तू चैंपियन मटेरियल है ओए और की गल है खुश नहीं तू बाजे खुश है जी आप हमारे गुरु जाके सबको समझाना तुम माँ बहन के गाली बंदे ना ओए ओए ओ मेरी आदत है यार पान सिंह हमारे यहाँ भी आदत है गाली के जवाब में गोली चल जाती है कोसा जी हमारी माँ हमको बहुत प्यारी है ओए हनुमंता जो बेटे लेमन जूस खाओ और ये वाली दुकान पे बेकार मिलती है एकदम वो बस स्टॉप वाली है ना वहाँ पे अच्छी मिलती है इसको भी ले जाओ जा बेटे जाओ अब तुम्हारे लिए तो कुछ लाए नहीं हम शहर से जरा मालपो अल्पो खिला दो फिर हम तुम्हें सुनाएं खुशखबरी पहले खुशखबरी सुनाओ फिर बनाएंगे मालपुआ अगर खबर अच्छी ना लगी तो अरे तरक्की है गई हमारी अब तुम हुई सुबेदानी नेशनल रिकॉर्ड तोड़ डालो हमने अरे अब की का तोड़ा है जब भी बाहर जाते हो कछु ना कछु तोड़ आते हो तक गवारी रही सहरा के भी कछु सीखो नहीं रिकॉर्ड तोड़ने का मतलब होता है रेस में अव्वल आना अच्छा जी हमें का पतो ये मेरी अरे अरे छोड़ो क्या करा तो छोड़ो हमें नहीं अच्छा अब जो हमें विदेश भेज रहे हैं टोक्यो जापान अब वहां तो एशिया के बड़े बड़े खिलाड़ी आने वाले कल आए तुम्हारे लिए टोक्यो से कल आए इधर आ जाओ विदेश जा रहे हो कल आए तुम्हारे टोक्यो से जिनेकर पहन के दौड़ते हो ना हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता सब औरतें देखती हैं तुम्हें ये तो है ही पजामा पहन के दौड़ते थोड़ी देंगे वो अब जब मेम ले आए तो खा कूद के मरोगी जहां तो कुआं भी नहीं है रेल की पटरी पे लेट जाएंगे जब मार दे तुम मार दे बच्चे ले मंजूस लेके आफे वाले होंगे हटो नहीं हटो हटो
छोड़ो हमें। पानी 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 हम तो सारी जिंदगी से कपड़े का जूता पहन के दौड़े, आप अभी बोल रहे हो जे पहन और भाग, वो भी कंपटीशन में सीधा। तो क्या मतलब दुनिया ये कहेगी कि भारत के पास अपने खिलाड़ियों के लिए जूता नहीं है? अरे दूसरे देश के एथलीट्स को देखो यार। अरे कहाँ देखे, उनको खाने को कितना मिलता है, कपड़ा लगता सब भरपूर फैसिलिटी। आप तो अंडर दो केला देके बोलते हो मेडल ला, कहना क्या चाहते हो तुम है? अब थोड़ी कही है, ज्यादा समझ लो आप। ए देख सुन, ज्यादा लीडरी झाड़ने की जरूरत नहीं है, जूते पहन, भगवान का नाम ले, चल हिरण हो जा, चल जीतेगा तू, शाबाश चल। रेस हम हार गए, इस बात का अफसोस हमें आज भी है, हमेशा रहेगा। और तू उदास ना हो यार। अरे साला जूता रे पगड़ी उतार ले। कोई गल नहीं यार, सहूलियत दिन ने नहीं, मैं तो मांगते रहते ने पहले दिए नहीं, अभी रिलैक्सिंग। नो नो नो, आई एम सुचर सिंह, ही इज पान सिंह। वो तगड़ी अंग्रेजी बोल रहे, कोई खान दो समझता नो ना, मैं ना दिस को यस मी यस थाजीमा हारुको वन इज मेरे पहले कुछ नहीं पहरे तू समाड पा ना यस नो ना मैं वो श्रीमान आपका शिरोनाम क्या है बताने का कष्ट करें। मैं अच्छा पान सिंह तोमर करण नमाइवा पान सिंह तोमर संदेश पान सिंह पासा पान सिंह तोमर इंडिया इंडिया इंडियस पान सिंह आई लव यू। ये आपसे प्रेम करती हैं? कब के प्रेम सासी सासी इतने सारे गंदे कपड़े इकट्ठे करके ले आए, काय के पता है ना घर में काम करने वाली बैठी है, मेडल तो लाए नहीं, सौत लाने की सोच रही। एक बार को तो लगी उतने ही रह जाएं। तो कौन ने रोकी हती? तुम्हारी रोटी, मैं पता नहीं क्या लपम जपम खिला के मारती, जापानी लोग कुत्ता का हुआ का फर्क नहीं जानते। तुम्हारी रोटी बस याद रही, हनु ले जाओ लेमन जूस खाओ। कहीं ना जा रहे जी, यहीं बैठे रहो दोनों। लो 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 लो, कहीं ना जा रहे, चलो बैठो। जाओ बैठो, जाओ जाओ जाओ, कहीं ना जा रहे, मैं बोल रही हूँ ना, चलो बच्चों को, जाओ जाओ जाओ, बैठो, जाओ जाओ, चलो बैठो, जाओ। बड़ा लेमन जूस खाएंगे जी, कहीं ना जा रहे।
मानो बहुत हो गई पढ़ाई लिखाई, जब बाहर जाकर खेला। और सुन, दर्जी से हमारा ब्लाउज भी ले आना, और बहन को भी साथ ले जा बेटा, उसका नाप दिलवा लाना फ्रॉक का। हाँ, नाप देने की जल्दीबाजी मत करना, देर से आराम से आना। मोड़ा मोड़ी को काम पे लगा दिया का तुमने? सच्ची जापानी को लाने की सोच लिया थी? ओ, तुम्हें तो हमारा भागना पसंद नहीं, तो हमारे भागने में मरती है। ये देखो, अच्छा इधर देखो, सुनो जी क्या करो। तो विदेश में ऐसी करते हैं, गमारी इधर करते हैं विदेश में। इधर देख, ये ना इसको कर, ओ ये ओ, ओ। मौका आ गया है अपने हिम्मत दिखाने का और अपने देश पर कुर्बान होने का, जिसकी हर सिपाही को तमन्ना होती है। मेरे जवानों, जिस बदन को तपा तपा कर हमने लोहा बनाया है, उसे इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। जंग उन्होंने शुरू की है, लेकिन इसे जीतेंगे हम। और कसम है हमें इस धरती मां की, अपनी जान देने से पहले दुश्मनों की 10 जानें लेकर शहीद होंगे। कोर्ट ब्रावो होगा जी साहब। जीएस रिजर्वेशन ड्रॉ हुआ होगा जी साहब। 1500 आवर्स पर बटालियन मूव कर जाएगी, कोई शक नहीं साहब। मूव जैन साहब। साहब पान सिंह विश्राम बोलो। साहब सभी मोर्चा पे जा रहे हैं, हम काहे नहीं? फौज का कानून है, खिलाड़ियों को मोर्चे पे नहीं भेजते। साहब साहब हमें एक पॉइंट बोलना था साहब। वहाँ गाँव में घर में काम उड़ा जाएगा दिखाने के लिए। साहब साहब एक पॉइंट बोलते हैं, जो आर्मी हमारे सारे मेडल ले ले, हम स्पोर्ट छोड़ देते। साहब साहब जो एक मौका मिला है साहब, जो हम जाने नहीं देंगे। साहब एक बार हमको मोर्चा पर भेज दो साहब। तुम यहीं रहोगे। मूव। पान सिंह साहब मोर्चे पर नहीं आ रहे हो क्या? सिक लीव ले ली? बासठ और 65 की जंग भी और हम मन महसूस के बैठे रहे। बोले खिलाड़ी तो देश की धरोहर है, इसको जंग में ना भेजने को नियम है। हमको जब मारे साला नियम को कबूली, पर मन में फांस अटकी रही दुश्मन को हराने की। सो एक मौका और मिलो 67 इंटरनेशनल डिफेंस मीट थी। पागल है सरिया, समझाइए इसे। इसकी आधी उम्र के एथलीट्स आएंगे वहां पर, हारेगा बुरी तरह से। इसे समझाना बड़ा मुश्किल है, जंग के मैदान में तो ये लड़ नहीं पाया, उसकी कसर अब ये खेल के मैदान में निकालना चाहता है। सर ये इंटरनेशनल डिफेंस एथलेटिक मीट है सर, कोई जंग का मैदान तो है नहीं। इसके लिए तो जंग है क्या पान सिंह? इंटरनेशनल एथलेटिक मीट में जा रहे हो? उम्र भी हो गई है, हार तो नहीं जाओगे? जंग में तो भेजा ना गया साहब हमको, जान जोखिम में न डालने दिया आपने, अब इज्जत जोखिम में डाल के खेल के मैदान को जंग का मैदान बना देंगे साहब।
रेस हमारी जिंदगी की सबसे जरूरी रेस। वो रिकॉर्ड विकॉर्ड नहीं था जी, लेकिन वो भाई साहब हाँ जरा हाथ लगाइयो। हाँ। सबसे बड़ी रेस। रोटी खाओगे? जो मटन बड़ोगा जब को बना तो है। जिन्ने पहले क्यों आया? खाना झूठा कर दिया आपका? हमारी जिंदगी ऐसे ही है, 24 घंटों चौकस रहना पड़ता है। खाने में जा रहे तो खाने वाला पहले मरे। वो मटन बड़ोगा जब को है। शर्मा उन्हें खा लो, आओ। ठीक है, हम भी कह सकेंगे लोगों से कि दाऊ के साथ रोटी तोड़ी। रहन दो, मटन तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। थोड़ा दौड़ शुरू कर लो, छरेरे हो जाओ, फिर लेना। जी चलो शुरू करो, जैसे सब तो चलते रहोगे। जी हाँ। आपने फौज कब छोड़ी? हाल ही में संपन्न हुए अंतरराष्ट्रीय रक्षा खेलों में सूबेदार पान सिंह तोमर ने 3000 मीटर की पगबाधा दौड़ में अपना ही रिकॉर्ड ध्वस्त कर एक नया कीर्तिमान रचा। मतलब अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दो। कहाँ पंचायत चल रही है यहाँ पे? ऐसा क्या कर दिया बा मिर्ची चोर ने? कैसी बात कर रहे हो बहार दादा, तुम आओ भी चचोरो भाई है वो। तो कब आप गलत कह रहे हैं? दौड़ में इंटरनेशनल चैंपियन बनो है फिर से पान, बाको सोने को तुमको मिलो है। भगोड़े काम भागनो, या मैं नहीं का बात है गई? क्या बात कर रहे हो बहार दादा, का है? अपनी जिम्मेदारी छोड़ के फौज में भागो। जब वापस आएगा ना तो कोठी पे हम ही सोने का तमगा देंगे बाको। भगोड़ा साला चल रहे। पापा, पापा, ताऊ जी। और फिर कुआं के पास वाली जमीन भी दबाई ली। खड़ी फसल पे जानवर छोड़ देते हैं। कछु बोलो तुझे हाल कर देते हैं। चार चार लाइसेंसी बंदूकें हैं बिन के पास, कोई करे तो का करे। अरे करना का है, जे भवर सिंह को गोली मार देते हैं किस्सा ही खत्म। अरे जवान मजाक, चटाक भर को हुए नहीं गोली चलाएगो। अब हमसे ना संभले ये सब, कछु तो करना पड़ोगो। अरे पेट तो वैसे वैसे धरा तेरा, 6 महीने बाद आऊंगा देख ले, जंपिंग ठीक कर। रेजिमेंट का नाम नीचे नहीं होने देना जवान। आपके रिकॉर्ड तोड़ने वाले का रिकॉर्ड तोड़ देंगे सुबेदार साहब। जय हिंद बात। जय हिंद। सुबेदार साहब आओ। कर्नल मसन साहब का फोन है ग्वालियर से। साहब जी मैं रिटायर हो गया, प्रीमेच्योर ले ली मैंने। क्या रिटायरमेंट के बाद गेम तो नहीं छोड़ दोगे? अब वो घर गृहस्थी और खेती बाड़ी के खेल कम जानलेवा नहीं है साहब जी। वैसे जिस दिन चाहो कोचिंग का ऑफर है। हाँ साहब। फौज में कोचिंग का ऑफर है। हाँ साहब। तुम्हें कुछ देना है? अभी हमारे बेटे को नौकरी दे दीजिए, कम है क्या साहब जी? कर्नल मसन साहब ने आपको ये देने के लिए कहा है। आइसक्रीम है। याद आया? देखते हैं तुम्हारे घर पहुंचने तक ये पिघलती है या नहीं।
ये हमारा सबसे बड़ा मेडल है साहब। चलो कहाँ है गो? चलो, अरे वो खेतन सब चलो। अरे कछू तो बोल कहाँ है गो? अरे कल शाम को ही तो गए थे, सब तो ठीक था। कल पान तुमने कैसे पतो के बिन्ने ही काटो एक खेत। दत्ता, ए दत्ता, दत्ता कहाँ है गो? हाँ कहाँ है गो? काय भर रहा है सुबह सुबह? अरे जे सब काय है, खेत हमारे, मेहनत हमारी, फसल हमारी, आपने कैसे काट ली? ये तो चोरी भाई। ते तू कब ते दरोगा बन गो? हैं? कब ते दरोगा बन गो? ना खेत तुम्हारे, ना फसल, ये हमारी है। और दो हफ्ते बाद होरी में जरेगी। जा, जो कोर्ट कचहरी करना कर ले। चल जा। देखो दत्ता, जे कोर्ट कचहरी की झंझट में ना पड़ो, बिन से किसी को भलो ना भयो। जे हमारी फसल है, राजी खुशी हमको लौटा दो। पटवारी के पट्टे पे जमीन हमारे नाम है। जब माता दी इनको नकद गिन के दिया हमने। इनने अपने हिस्सा का बेचे थे खेत। हाँ तो इनने अपने हिस्सा का बेचे थे खेत। ये तो हमारे खेत है, साफ साचो पटवारो भयो तो पंचायत में। गजब, अब तू जे कर लल्ला, पटवारी के ऑफिस जा और पता कर ले जमीन कौन के नाम है। पंचायत बुला के कचहरी जा, जुबान ना लड़ा। हम रो मत तो घूमगो तो यहीं डर करके फैसला कर देंगे। का फैसला कर देंगे? का फैसला कर देंगे? पान, चल 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 पान, चल बता का फैसला कर देंगे। राम राम दादा। हम खामो मत लग, जब बंदूकन का जोर मत दिखाना। इनते बड़ी बड़ी देखी है। पान चला। हेलो, जय का कर्नल मसद बोल रहे हैं। हाँ जय हिंद साहब, हम सूबेदार पान सिंह बोल रहे हैं साहब। हाँ साहब, कछू ठीक ना चल रहा साहब, थोड़ा कष्ट में है। वो हमारी पूरी की पूरी जमीन हड़प ली साहब रिश्तेदार ने। 2 साल हो गए हमको चक्कर लगाते हुए साहब। वो साहब आपके भाई ग्वालियर कलेक्टर रहता है, वो मुरैना कलेक्टर को बोल के फोन करा दे। झूठ बोल रहा है जय, जमीन तो हमारे नाम है। जे तो बापे मजदूरी कहता है, कागज पे लिखा है। कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है? साहब हमारे दद्दा माता दी ने जरूर जमीन बेची है, लेकिन हमने ना है। इनकी नियत पे खोट आ गया, पटवारी को पैसा देके पूरा का पूरा जमीन को पट्टो अपने नाम चढ़ाए लियो। पूरी जमीन हमारी है। पर तुम और भवर सिंह तो रिश्तेदार हो ना? हाओ, चचेरे भाई हैं, तभी तो जाके सांस चल रही है अभी तक। तुम्हारी सांस भी अब तक यही लाने चल रही है। जो आदेश हो जाए ना, चुप हो जा। तो हर साल तुम आओ श्राद्ध मनाने को सौभाग्य हो। कलेक्टर साहब बेटे देखो, हनुमंता आ गयो, लगता है छुट्टी मिल गई बा को। प्रणाम पापा जी। जे भवर सिंह को टंटो अभी तक चल रहे हो? अरे कलेक्टर साहब, यही बात से तो आए हुए, अभी निपटारो कर देंगे। हनुमंता ठंड रखो, भाजी हो, देश को तुम्हारी जरूरत है भाई, देखना कहीं बेकार में खर्च मत है जाइयो। ए मोड़ा चुप कर, कलेक्टर साहब बैठे हैं, उनकी तो इज्जत कर। देखो भवर सिंह, ये जो पेपर्स पान सिंह ने दिए हैं, इनको देखने के बाद तो यही लगता है कि ये जमीन इसी की है। और फिर तुम्हारे पास तो बहुत जमीन है, 2-4 एकड़ के लिए इतनी टंटेबाजी मत करो। अरे भाई आपस में मिलजुल करके इस बात को निपटा लो। बात तो भाई नहीं साहब, ये इधर के परिवार के पास 7-7 लाइसेंसी बंदूक है, हमारे परिवार को जानू खतरो है।
तो जब तक फैसला ना हो जावे तब तक इनकी बंदूकें जो है थाने में जब्त करा दो आप। देखो मसन ने कहा तो मैं यहाँ पर आया ना, आया या नहीं देखो तुम अपने आप देखो ये सब चीजें, ठीक है? समझ गए साहब? आपके हाथ में साहब, आप तो कर सकते हैं। ये बंदूकन के जोर पर सुअर बने हुए फौजी हो के बंदूक से डर, खाली हाथ लड़के देख लो। देखा ना, ये है चंबल का खून, अपने आप निपटो। हमारी मेंढकी और बेटा तीरंदाज है, तुम्हारे बाप तो जंग पे ना गए कभी। अगर तुम्हें जंग को शौक चढ़ रहा है ना तो सुनो, हमारा इतने एक बड़ा परिवार है कि अगर सब खड़े होके मुंह दे ना तो बह जाओगे। जवान संभाल के दाऊ दाऊ ज्यादा अलग अलग नहीं, हट जाओ, हट गोली के मारो, दो हटी पुरो निकल जाएगा। निकलो निकलो मत करो, निकलो और हम बोल रहे हैं निकलो, बोल रहे हैं ना निकलो। बाप ने कछु करो तो क्या करेगो? हाँ, थाने शहर अफसर के पास भागेगो और क्या करेगो? एक ही काम तो आते इसके बाप को, भागनो। खून में गर्मी होती तो इतने एक साल से बंदूक ना उठा ले तो कल पान सिंह को घर में घुस के मारेंगे, पूरे गांव को तो पता चले। बस 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 धीरे से हमें जाए तो बाबूजी, धरते जाइए हमें जाए तो। अरे खड़ा रह जाइए पे, तुम्हारा खून पानी होगा चचा, के देख बरस से चलोगे नाटक? तुम नहीं तो आज हम ही जाके जवाब दे आते उनको। अरे बलराम जब बंदूक धर दे गोली गोली चला के कुछ ना होगा, हमारे मोड़ा को जो खून बह गए वापस मिल जाएगा। हमारी इज्जत, इज्जत जो पानी होगा वाकू का, इज्जत पे खून को दाग लगो है ना, हम खून ना बहाएंगे। हमारे हनुमंता इज आर्मी मैन, आर्मी हमें देश की दरबार माने, पुलिस हमारी बात नहीं सुनेगी का? पर सबूत का है कि तुम ही हो, जे का लिखा है स्टीपल चेस, चेस हो कौन किसको चेस करता ना, कौन कौ किसी को चेस ना करता साहब जी, तो बाधा दौड़ होत है 3000 मीटर की, बाधा ऐसे लांग के पार करते हैं, ये सबसे मुश्किल दौड़ होत है कंपटीशन में। सबूत का है जे सबूत धरा साहब, जे हम ही तो हैं, जे हम ही हैं, जे भी हम ही हैं। जवान हते तब है, विदेश में मोड़ा मोड़ी इतने कम कपड़े का पहनते हैं। अब तुमने तो खूब आके ठंडी करी होंगी। अच्छा जे बताओ गए कैसे, हवाई जाते या पानी के जाते? साहब जे बात अभी हम कैसे बताएं, हमारे मोड़ को जान पे बनी है साहब, जितने मेडल जीते हैं, हमें देश का नाम ऊंचो किया है साहब, नेशनल चैंपियन रहे हैं।
आप ही की तरह तो फौज में रहे। अभी हमारी ना सरपंच सुन रहा है ना पटवारी सुन रहा है, जब जाए तो कहां जाए। अरे यार, ये जमीन फसल वसल को काटो को केस हतो, जब तक दो चार लाशन ना टपकेंगी का करेंगे जाके। हम कह रहे जा आप, अरे जे मुरैना जिलो हते इतने पुलिस की कचु इज्जत इज्जत है। हम कह रहे जा आप, अब बिना काम के गांव में पुलिस इधर उधर घूमेगी अच्छा लगेगो। हम न कह रहे जमीन कैसे निपटारा करो आप, हम जो कह रहे हमारे मोड़ो को इतो मारो है, इतो मारो है जो खटिया पे पड़ो है, खून बहरो है, बहिल डुल ना पारो। अरे तो सांस तो चल रही बाकी, मरो तो ना अभी तक। जब मर जाए तो तबे आए, जब मर जाए तो तबे आए, देश के लिए फालतू भागे हम। अरे तो बात के लिए मिले ना जे मेडल। हटो, हटाओ, चलो हटो। मेडल हट। जनता की रक्षा की नौकरी है तुम्हारी, तो चिता पे रोटी सेकने की ना है। आए, का कही? कह दे, सुनाई नहीं दे कि कान बंद हो रख के तुम्हारे हराम की खाका के पेट फूल रहे तन्ना रहे तुम्हारे। रंडी का फड़वा को तुम्हारी जगह बिठा दे, जनता की रक्षा अच्छी कर लेगा। ए फौजी, हट पुलिस का कुत्ता। ज्यादा टिपिट टिपिट नहीं, अभी मार मार के टंडा से बक साले। साले इतो मार पड़ेगी ना, बदन सूजो रहेगा जिंदगी भर, फिर तोड़ के चल भी ना पाएगा। अवतार लगा बक साले पागल बक साले। जोर नहीं सालों के, जब देखो पुलिस के पल्लू में घुस जाते हैं। अरे सब अपने अपने घर में घुस जाओ, आज लाशें मिलेंगी। अरे अरे भवर सिंह आ रहे हैं, अरे अरे भवर सिंह आ रहे हैं, काबू उतारो जनरल सिंह के साथ। हाँ तुम दुखे भी है, बहुत गुस्सा माँ है। ये साले मानेंगे नहीं ऐसे, पापा घर में है नहीं, जिस साले कैसे घर में घुसे चले आ रहे हैं। अरे चाहिए जनरल सिंह हमारी, अरे तो छोटा को लेके चलो। अरे छोड़ो, छोड़ रहे हैं यार, मत बंदूक लेके कहाँ जा रहे हो। अरे कहाँ चले, कहाँ जा रहे हो। कोई मरा घर में ना है, ऐसे कैसे घुसे चले आए हो। इज्जत करो भाई, बहन हो कि तुम किससे। अरे क्या मां, अरे डालो दाएं टलती हैं बासे, गुड़ खिला गई है को सोमवार को। अगर ठीक ना चल रहा है पान, गांव पहुंचकर पूजा करानी पड़ेगी। सुबेदार कुत्ता, घर में जाओ, भंवर सिंह और उसके मोड़ों ने घर पर हमलों बोल दियो है, गोली चल गई है, कुत्तों ने घर तक ढा दो है, अम्मा को भी नहीं बख्शो है। हथियार लेकर तुम्हारी खोज हो रही है, हनुमंत है। बच्चों को लेकर भाभी अपने गाँव चली गई है। रामचरण घर पे कौन है? कौन नहीं है। ये चूड़ी अम्मा ने तुम्हें देने के लिए कही है।
जब तक मामला ठंडे नहीं है जय, तब तक हम यहीं रहेंगे। ए जयराज, जयराज, ये बंदूक लेके कितने जा रहे हो? अरे कहीं नहीं जा रहा, यहीं अंदर चल। अरे चल अंदर, यहीं पे हूँ। ए माँ, देख बापू आ रहा है। अब बताओ क्या करें, गांव जाएं तो मारे जाएं, पुलिस वाले भी सुनने को राजी ना है, आपका सारी जिंदगी बहू के मायके में कटेगी। गांव तो अब जाना ही पड़ेगा और पुलिस भी अब खूब सुनेगी। अनुमंता निकलो, तुम निकलो, कल ड्यूटी ज्वाइन कर लो। हम नहीं जा रहे। सुनी नहीं, तुम्हारी जिंदगी अभी शुरू हुई है लल्ला, हमने तो हमारी जी ली। कल सुबह यूनिट ज्वाइन कर रहा हूं। कब? हां हां। और हमारी यूनिट कब निकलेगी चाचा? हमारी यूनिट निकलेगी कल सुबह। दादा, अम्मा बुला रही, तबीयत ठीक नहीं है उनकी। हाँ देखता हूँ। ननिहाल गए हैं। लाल को बोला था भग जाओ, पुलिस मारेगी अब। फंसाइए सब, निकलो यहाँ से। सुन लो सब, जब पान सिंह तोमर को गैंग है, मोहब्बत का पूरा नहीं हुआ है, हमें शांति नहीं मिली है, हम दोबारा आएंगे। सुन ले भवर सिंह, खेल अब शुरू हो चुका है। जाहिलों की तरह से बात क्यों करते हो तुम? सरेंडर करो, सजा काटो और आके यहाँ पे कोचिंग करो। साहब हम तो कल आ जाए, पर हमारे पीछे भी हमारे परिवार वालों को, हमारे दूर के रिश्तेदारों को ना छोड़ेंगे। अब खेल से हमारा क्या रिश्ता हो जाए, तो आप जाने, हम जाने या भगवान जाने। जय साले पुलिस पंचायत जी का समझेंगे, इनको तो बिहड़ आबाद करने के लिए कौर मिल गो बागी। जय हमारे भतीजो जो है दो बेकसूर है, ये अगर फौज में भर्ती है जाए। अपने गैंग में क्यों नहीं शामिल कर लेते? कोई आदमी खुशी से बागी नहीं बनता साहब। तुम और मैं आज के बाद कभी नहीं मिलेंगे। हमारी खबरें मिलती रहेंगी साहब। वो माता दी, वो पूजा पाठी आदमी मक्खी ना मार पावे, आदमी का मारो। जाना भाई, जाने वाली थी भाले दीदी। साहब साहब, हमारी बात तो सुन लो साहब। अरे झूठो नाम लगाओ है, हम तो ननिहाल गए थे अपने। दरोगा जी, हम बात तो सुन लो। देख छोड़ देंगे, एक के ही बात पे छोड़ देंगे। हमें सिर्फ ये बता दे पान सिंह कितने मिलोगे,
कसम से दरोगा जी, मेरा पतो झूठ बोल रहा है। जय ना मानेंगे, बिठा सालन ने डंडा पे, तभी गाएंगे जे पूरा का पूरा गाना। ले जा सालन ने, दोनों से आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बता दे कितने मिले वो पान सिंह। ले जा सालन ने, हाँ साले। कहाँ कहाँ बताएं, कहाँ कहाँ है रो हम लोगों के साथ। भंवर सिंह ने जिंदगी ना रखते ही हम लोगों की। उधर पुलिस जब देखो अंदर कर दे, तुम आओ पतो पूछे। अब चाचा जाए भी तो जाए कहाँ, जे तीन चार पुलिस की भर्ती को इंतजाम है गो है। काए जब चाचा ढूंढत रहे तो तुम लोग ननियाल में खूब मजे करते रहो, और जब पुलिस ने डंडा करो तो भगे भगे चले जाए। अब तुम्हें भी चाचा फौज में भर्ती कराए। हमें भी अपनी फौज में भर्ती कर लो चाचा। कर लो चाचा। बागी बनोगे तो मरोगे, जी तो उतर भी ना पाएंगे। आइसक्रीम के अंदर गरम गरम गुलाब जामुन डाल के खाओ कभी? नहीं तो, पहले कभी टेस्ट ना किया। स्वाद एक और मिजाज डबल। खाओ, आओ आओ आओ, खा लो। चले आओ, उठाओ कटोरा। आइसक्रीम तो हमने जो अंग्रेजों ने बनाई वो भी खाई, लेकिन सबसे बढ़िया आइसक्रीम जर्मन। और जो छह रंग वाली खाई, और एक तो यो बटन दबा और यो मशीन में से निकले एकदम मुलायम सॉफ्टी। ऐसी तो हमारी ग्वालियर में भी मिले। ना ग्वालियर में कहाँ से मिल जाएगी? ना ना मिले, आप तो बहुत दिनों बाद आए ना शहर, इसीलिए पता नहीं है आपको। तो फिर सारे रिश्तेदारों ने मिलकर गैंग बना लिया है? अरे सारे रिश्तेदारों के खिलाफ गलत रिपोर्ट लिखा दी भंवर सिंह ने, क्या करते? कितने की मिलती का सॉफ्टी? ढाई रुपए। कितने की? ढाई ढाई रुपए। हथियार कहां से लाए? खरीदे और कहां से लाए? दो नाली ओए 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 ओए, तेरी अखियां दो नाली, तेरी पतियां दो नाली, लगे राइफल सा झटका तो हार तौबा। तेरी अखियां दो नाली, तेरी पतियां दो नाली, लगे राइफल सा झटका तो हार तौबा। तू तो असला हो, तू तो असला हो, तू तो असला देसी है यार तौबा। हैप्पी बर्थडे, सिर्फ गाएगी का बजाने की अलग दिल लगेगी। रहने दो भरत भैया, एक रुपया की माला, इतने में तो ढोलक भी ना बजेगी। तो होते जा। माहौल बना के रखना, अभी आते पैसा लेके। अरे मुन्ना नोटन की माला। ओ बलराम दे दे बाकी माला। बागियों के ब्लेडी पुल वाली हरकत, एक एक रुपये का कहाँ करोगे? और रामचरण इतने आओ, वोड़ा घर पे खबर करा दो, 1.25 लाख रुपए तो नगद। और जब पुलिस को खबर की, मोड़ा का जान पकड़ ना पाओगे, समझो? कब समझे? दद्दा हाँ, गोवर्धन नाई को बोलो बा खबर भिजवाओगे इनके घर में। अब भाई हाँ, आप इधर ही बैठ जाओ। अरे जगह कर रहे हो? पकड़ है, कहीं भग गओ तो? अरे जी हमसे तेज भगेगो, खोल दो। चल चल। और मोड़ाओ काम में लगाओ, फ्री में खाना ना मिलेगा, पूरा गैंग का खाना बनवाओ। बोलो पहलवान जी।
बोले क्या बांट दिया, अब चाल चलिए। जी कब बांट दिया तो गलत बांट दिया। आपको अभी सिखाया गेम, आप मेरा तो बन गया। अरे कहाँ बन गया, पत्ता गलत बांट दिया। इंतजाम है को पूरी जान लगा दे, पिछहत्तर है मोड़ा तो सवा लाख कोई मिलेगा। अब इससे ज्यादा मुझसे ना हो पाएगी। 50,000 के तो आंसू ही टपका दियो, सूबेदार को दिल पिघल जाएगा तो मोड़ा बच जाएगा। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ है गोवर्धन। अरे रे 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 रे। इतने से काम ना चलेगा, रो रो के नदी बहा देना। ये बात ध्यान रखो कि सुबेदार गुस्सा ना हो, वरना तुम्हारे और तुम्हारे मोड़ा की जिम्मेदारी हमारी ना ले। चलो जाओ, जाओ, जाओ। सुबेदार साहब, सवा लाख का इंतजाम नहीं हो पाया, सब घर बार बेच दिया, 75 हुए, चाहे तो घर की तलाशी ले लो। अपना मोड़ा के लिए मुलतुल कर रहा हुआ था। हमें मालूम है जो बहुत मक्कार है लाला। आओ देखो लाला, हम बागी है, बिजनेसमैन नहीं। जितना वो उतना दे दो, जाओ एक हफ्ते बाद मोड़ा घर पहुंच जाओ। एक हफ्ते बाद का है, तुमने मुखबरी कर दी तो। अरे मेरी का हिम्मत जो पुलिस से मुखबरी कर दूं। ए गोवर्धन जी, गिन के ले लो, जाओ उठो जाओ। बस कृपा रखना सूबेदार जी। चल हम बताए कहां से उठा के लाए तुमको। जब लंगोटो कच्चो हो तो तुम्हारा मोड़ो, मुजरा देख रहे हो तो हमने वहीं धल ले। मुजरा साले, तुम मुजरा देखो और हम तुम्हें बचाए की खातिर घर बार बेच दिए, मुजरा देखो तुम। हम बताए सुबेदार चचा तुम्हारी करतूत, बताए का तुम्हारी वो घनश्याम चक्की वाले की बगल वाली छमिया के बारे में। बोलो बोलो, ताके लिए 10,000 रुपए महीना करके भिजवाते हो तुम, बताए सुबेदार चचा को। सुबेदार साहब मार दे साले को, साले हमसे जबान 50,000 रुपए कम लेके आयो। हम तुम्हारे बाप है, बाप के बाप, बाप है के ऐसी करतूत। हाथ साले इते आओ। अब रोबे से का फायदा, ऐसी कपूती संतान पैदा करी। उठा के चलो सूबेदार साहब, मार दो अब तो। उतर चल, उतर मार दे, मार दे सारे को। क्यों लाला हमसे मक्कारी, हाँ बाप छलकावे जाम और बेटा बांधे घुंघरू, बड़ा वाला तिच्छो परिवार है तुम्हारो। अब देखो 75 तो बिस्के और 75 तुम्हारे, 1.5 लाख रुपया गिन के दे दो और अपना अपना मोड़ा का जान बचा लो। सूबेदार साहब माफ कर दे, हम नाच नचाना शुरू कर दें तो फिर तुम्हारा भूभू से बच जाओगे, समझो। बांध दो दोनों के हाथ। चकर 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 चकर, बियर का शांति भंग कर दी। जैसे समझ लो कि सीमा से सटा हुआ राजस्थान था, उसके कई पुलिस वालों के साथ सेटिंग थी भागी होगी। वो बोलते थे हमारे राज्य में जुर्म मत करो, आप पकड़ ले आओ, आजाद घूमो, कुछ भी करो, जुर्म मत करो। अरे कितनी किडनैपिंग तो हमने पुलिस वालों के साथ मिलके की है, उनके कहने पे की है। ओम प्रकाश सेठ हैं इटावारे, कपड़ा की दुकान है उनकी। 4,000 रुपया को कर्ज लियो तो ब्याज को ऐसो डंडा घुमाओ कि सूद मूल से ज्यादा होएगा। हुकुम मेरी बात मानो, बहुत मोटे आसामी हैं, उनकी पकड़ करो, हमारा कर्जा माफ हो जाए और तुम्हें फायदा हो जाए। जे प्लान लेके आयो कि मौत का फरमान लेके आयो। हुकुम मारे को तो बस बदलो लेनो है। कहा विज्ञान सिंह, दुश्मनी तुम्हारी और आहुति हमारी। जाके ना सुनो सुविधा चाचा, छह साल यूपी में ले जाके मरवाओ का प्लान बना रही है, चंबल की बजाय गंगा में लासे तैरते फिरेंगे हमारी। क्या ज्ञान की पते थोपरे विज्ञान सिंह है। 95 जे जे मारा देखा दो, जे हो गए सो गलत है सब, सो हो गए। तीन स्टेट की पुलिस से बच के जाने पड़ेगा, मतलब मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। यही कही हमने चाचा, इसने मरवावे को पूरा प्लान बना के रखो है। राजस्थान की फिक्र हमारे ऊपर छोड़ दो हुकुम। जे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की पुलिस थाल सजा के आरती उतार गया हमारी, भाग जैसे। लाल बत्ती वाली गाड़ी का इंतजाम करो। है जाएगो। एक गाड़ी जांच की तरह कौन चलाना जानता है। हम चलाएंगे हुकुम। देखो हवा जोर से भड़की तन
नशे जोर से तड़की हम भी खत्म हो रहे हो राजस्थान लग जाओ बदल लो बदल लो ओ देखो हवा जोर से भड़की तन में नशे जोर से तड़की हम तो रंग जाएगी धरती लाल लाल बनिए अपने मन की नायक करे ना कोई उपाय अब तो करनी पड़ेगी आए आए बनिए अपने मन की नायक करे ना कोई उपाय अब तो करनी पड़ेगी आए आए दर 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 धीरा पुलिस वाले हैं चाचा अरे जय पुलिस वाले हम लोग अफसर गाड़ी रोको मत चलाते रहो चलाते रहो निकालो अपने मन की नायक करे ना कोई उपाय अब तो करनी पड़ेगी दाएं दाएं देखो हवा जोर से रिपोर्ट आई है बहुत बागियों को पना दे रहे तू अरे दरोगा लाला अरे दरोगा जी कोई झूठी खबर दिया आप थाने में चले बोल दी मेरी बात तो सुनिए मैं कह रहा हूं आप अरे यहां मारना शुरू कर दूंगा चलो छोड़िए क्या दो चार यहीं पे अरे आप जानते नहीं हमको जानते हो पार्टी के अध्यक्ष हम पार्टी उतरवा देंगे हम आपकी अरे सब दल सुनिए जी डेली हम कहां बैठे ऐसे समझते नहीं शहर में पूरा हंगामा हो जाएगा ये अपने मन की नायक करे ना कोई उपाय तो करनी पड़ेगी तुम लोग पुलिस तो ना हो देर से पहचाना नेता जी हमारा नाम है सूबेदार पान सिंह तोमर और तुम हो हमारी पकड़ कहो हाँ तीन स्टेट की पुलिस को चकमा दिया आपने बहुत बड़ा कांड था ही तो यही तो दुर्भाग्य है इस देश का 28 बरियर 7 फानिया गड्ढा पार करके साला नेशनल चैंपियन बने कौन ने पूछा जब तीन स्टेट की पुलिस को चकमा देगी एक किडनैपिंग कर लाई तो पूरा देश से पान सिंह नाम होगा सही कह रहे हैं आप खिलाड़ियों की बड़ी दुर्दशा है यह मोड़ा मगरमच्छ कहां सुना बा जब खाली खिलाड़ी रहते तो का इतना जोखिम लेके हमसे मिलने आता सही बात है जी ओम प्रकाश की पकड़ पे आपको 4 लाख रुपए मिला सही बात है ना अरे फिर तो हो गई हमारी गैंग फुल गैंग तुम्हारे बंदूक खरीद रहे हैं जय उतर ले जाके रखो अरे अरे जय पूजो को है तो जय उतर ले जाके रखो काय मोटी लिप कुछ और जरूरत पड़ी तो सब मिलेगा बंदूक राइफल ग्रेनेड LMG, सब रख दो हट जाओ लो दादा हट जाओ आओ ये आर्मी का नंबर वाली बंदूक कहां से नंबर का क्या है सूबेदार साहब सामान का हिसाब रखना पड़ता है इसलिए सही है आर्मी चोरी ना करती है चरियोगी जय पुलिस पुलिस वालों की अब हमें तो मिल जाती तो ले आते बेचने के लिए बस कहीं से भी मिले सूबेदार चाचा बताया जा रहा है कि ये वही पान सिंह तोमर रेडियो में तुम्हारा नाम छा गया है लंबी बाधा दौड़ स्टीपल चेज में स्वर्ण पदक लाया करता था ये बंद करो जनपा और आजकल चंबल का बंद करो मेरा जमाए हुए सारा देश के लिए दौड़ा किसी ने ना पूछो भाई बागी बन गए तो सभी नाम जप रहे सारे एक बार सुन लो सब जो गैंग बढ़ेगो तो दुश्मनी बढ़ेगी दो ही चीज बचा सकते है हमको एक एक दूजो को हाथ और अपने शरीर को साथ तो वफादारी तो संस्कार में मिली है हमें और बदन हम तपाए देंगे तुम्हारे कल से तुम सब लोगों की मिलिट्री ट्रेनिंग शुरू
कहो हाँ आपका हाँ नाम है, हमें कुछ फर्क नजर नहीं आ रहा। अरे जे देख के तो कछुआ तुमसे रेस में गोल्ड मेडल जीत जाए। लग रहा है पकड़न की भीड़ कसाई की दुकान पे जा रही है। बंदूक ऊपर, यहाँ पर लगातार गोली चल रही है, बच के निकल लो। तो अभी हम स्काउट फॉर्मेशन बना के चलेंगे। स्काउट फॉर्मेशन में सबसे पहले फौजी नंबर एक आगे रहेगा और फौजी नंबर चार फौजी नंबर दो से 20 गज की दूरी बना के चलेगा और काओ किसी के सामने नहीं रहेगा। उधर ही बैठे रहो साथ। पान लला, हमसे जय ना हो सके, हमें बख्श दो। हम ठेरे पूजा पाठ वाले आदमी, जय करेंगे तो बकत पहले चले जाएंगे। जाओ इतने बैठ जाओ। चाचा ये परेड वरेड को का मतलब है? जो दुश्मन चैन से सोवे टेम्पररी सोने दो, समझो नहीं। अरे परमानेंट सुलाने में थोड़ो बकत है। कितना टाइम है हमारे पास? ये बड़ी गैंग है, असला है, हथियार है, बस 4 महीने से यही कहे जा रहे हो बखत है। गांव पर हमला मुश्किल हो, छत पर LMG लगा रखी है, कोठी किले जैसी हो गई है, दिन रात पुलिस वाले पहरे पे रहते हैं। देखो माटी में नमी आ गई है, 10-15 दिन में बुआई शुरू हो जाएगी और फसल कोठी भी ना होगी, सबनों खेतन में आना पड़ेगा। आए, हमने तो शराब की गई का भाव ठेका बंद हो तो पूरे जिले को बाजार ते ले आवे। तो बाजार ते लाए में कतरे पाए टूट रहा है। सुबह सुबह शराब पीना अच्छी बात ना है। ये ज्यादा उपदेश मत दे। क्या बात है गई? हमला आएगा, मान सिंह आएगा। पान सिंह चल 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 भाग भाग। ओए किसका गैंग है जे? ये पान सिंह तोमर भिड़ोसे का गैंग है दारोगा जी। खड़ा हो जाओ सब एक लाइन में। काय यह तो झूठी रपट लिखवे बारे वो तो ये भवर सिंह के परिवार को सुरक्षा देता है। सुबेदार साहब वो तो कंप्लेंट लिखवावे आवे हते, किसी को तो आनो पड़तो, हम आ गए। क्या रे दारोगा, तेरे तो अपनी ड्यूटी निभाई नहीं, हम ठहरे बागी, हम अपनी ड्यूटी भूले ना। आप तो न्यायमूर्ति ठहरे सुबेदार साहब, छोटे छोटे मोड़ा मोड़ी हते। छोटे छोटे मोड़ा मोड़ी हते। देख जो तो रही तेरी वर्दी और चेहरा तू, अब जो जिंदगी में तूने अपने शरीर पर जबरदी डाली, तो साले कुत्तन की मौत मारूंगा तुझे, तुझे बर्दी के लायक नहीं। चल माफी मांग बर्दी से, माफी मांग। चल चल, हमें क्षमा कर, उससे मांग। चल हे हे बर्दी, हमें क्षमा कर दे। अरे तू तो माफी मांगने लायक भी नहीं है इससे। कड़ो जा सुबेदार साहब, तब यहां से भग जा, पत्रीदार खाने वाले भग जा। चल 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 भाज। अरे देखो जय बबर सिंह किधर भग गो। कहाँ भगे जा रहा बबर सिंह?
कहाँ भगाया जा रहा हो दत्ता? हमसे भग के चले जाएगा का? अब जे बता, कहाँ गए तेरे रक्षक और कितने गई तेरी लाइसेंसी बंदूक? है ना दत्ता? अब तुझे बता, हमारी तो इतनी सी जमीन हती और बा को तू हड़प गो। अरे माफ कर दे पान सिंह, अब तू बे जमीन जोत लेगो का? अरे अपनी जमीन वापस ले, हमारी जमीन भी ले ले, पर हमें माफ कर दे। हमारी अनुमति वो तू इतो मारो इतो मारो, बाकी सांस ही बाकी रह गई है, बाकी सब ही खत्म होगा। हमारी माने तेरे का बिगाड़ो जो तू बागो बंदूक के बढ़ते मारो है? हमारी बूढ़ी माँ को तू बंदूक के बढ़ते मारो? गलती है, माफ कर। देख देख, एक गोली से ना मरूंगा मैं, जहर ना पहले को, मुझे जान दे भैया। हमारे पास गोली की कमी है ये का? क्या हमारा निशाना खराब है? हैं? ओ दद्दा, अरे हम तो तुझे दद्दा दद्दा कहते थे, दद्दा दद्दा। हम तो एथलीट है, धावक, इंटरनेशनल। अरे माफ कर दे। अरे हमसे ऐसी क्या गलती है? क्या गलती है भाई? ये तेरे हमसे हमारो खेल को मैदान छीन ले। माफ कर दे भैया। और तेरे ते लोगों ने हमारे हाथ में जे पकड़ा दी, अब हम भग रहे चंबल का भीड़ में। जा बात को जवाब को देगो, जा बात को जवाब को देगो। माफ कर दे, माफ कर दे पास भैया है, तू भैया है, मतलब तुम्हें भैया है। हटा ले, हटा ले भैया, तुम्हारा उपकार ना भूलेंगे, तुम्हें भगवान है। मैं तो भगनवा तो है, तो भग लेंगे, सारी जिंदगी भग लेंगे। जय ही खेल लिखा है तो जे भी खेल लेंगे। ओ दद्दा, जे जवाब देके चला जाए दद्दा, जवाब दे। अरे तो इतनी काय हड़बड़ी मची रहती है तेरे। अरे यहाँ जरूरी बात चल रही है, अदालत बैठी है, अतर दाग दे, बंदूक नीचे फेंक दे, फेंक दे नीचे। ओ दद्दा, हम ऊपर आकर भी जवाब लेंगे, हमारा जवाब पूरा ना भाव। हमारा बदला तो पूरा हो गया, पर बीहड़ में दुश्मन खत्म हो जाते हैं, दुश्मन ही नहीं। और एक दिन ऐसा कांड हो गया कि जिसके कारण आज हम तुम्हें अपनी कहानी सुना रहे हैं। मैं कायर तो नहीं, फटो को रोज एक ही गीत गाओ तू है। मिर्चा तेज रखना, नहीं तो जीभ काट लेंगे, फिर इशारे में गाओगे की। हम पे भरोसा करके बड़ी इज्जत बढ़ाई दी साहब। अरे तुम्हारा इंतजाम फर्स्ट क्लास रहतो है, मुझे गांव भी भलो है, जब ही इतने से गुजरते हैं आ जाते हैं, ये रख लो। नहीं साहब, बचन रखो, ये गैंग बड़ो है, इतनी पकड़ है, हम किसी पे बोझ नहीं बनना चाहते। कल को इज्जत देना बंद करी तुमने फिर। मैंने सुनी है कि साहब मुरैना ग्वालियर की पुलिस गश्त पे है, खतरा है। जब तक गश्त ठंडी नहीं पड़ जाती है, मिट्टी रुकेंगे। हाँ। भैया बहू बिटिया बच्चा नावे आ रहे हैं, बड़ी मेहरबानी होगी, सब बाहर रह जाओ, थोड़ी देर बाद आना, तुम भी बेटा चलो। हनुमान ज्ञान गुण सागर जय
खा ले बहुत मीठो है। इतना राम राम ना करो तक कहीं राम जी खुद ही ना आ जाए लेने। बोले माता जी यहाँ का कर रहे हो, चलो हमारे संगे स्वर्गी। अरे साला सरपंच ने धोखा दे दिया। मरने नहीं देंगे, हमारी कहानी खत्म, तुम्हें यहां से निकाल के लेके जाएंगे। दो हाथ दो पानी में ना उतरेगी। चलिए जन सिंह और फौजदार तीनों खत्म है गए, तीनों की लाश पुलिस को मिल गई है। सबके घर वालों को पैसा पहुंचा दे। ठीक है सुबेदार, बोलो कोई भी जरूरत हो हमको बताए, बोलो मिलने आ गए। कैसे तो करना पड़ेगा का चाचा, जब तक उस गांव में सबन की चिता न जला देना, दिल की आग न बुझेगी। इतना बेटा, दद्दा हमारे भी पिता समान रहे, बचा गुस्सा को आखिरी राउंड के लिए बचा के रख। ऐसी सजा देंगे पूरा चंबल में कोनो मुखबरी करने को सोचोगे नहीं। उसके रिश्तेदारों को खींच के ले गया। कितना जा रहा हो? कितना सौ? ये पान सिंह तोमर भरोसे वाले गैंग को कानून है। चल। पुलिस का कुत्ता और उसके मुखबिरों को हमारी क्षमा नहीं, पर गरीब और निर्दोष को हमारी पूरी सुरक्षा। याद रहे, हम थे गद्दारी तो इस वर से बैर। माफी कर दे सूबेदार साहब। हाँ बोल सरपंच। क्षमा करो साहब। क्षमा
गलती है गई। एक कुत्ता की तरह पुलिस से मुखबरी की तुमने। कहो हाँ। लिखवा के ले। कहो हाँ। हाँ हाँ हाँ। मुखबरी तुमने की। कहो जैसा हमारा बड़ा भाई मातादीन पुलिस की गोली से मारा गया। सारी गलती है गई, क्षमा कर दो। तो हम तुम्हें माफी कैसे दे दे? गलती है गई साहब, गलती है। अच्छा रात भर चलता रहोगे, बंद कराओ जब आजा। कराते चाचा। जो होगा आपका साक्षात्कार पूरा होगा जी? हैगा होगा। जाओ एक बार सुन लो बेटा। देखो एक बात समझो, बे नौ गुर्जर जो हमने मारे, विन का मरना जरूरी था। बे ना मरते तो फिर निहत्ते थे लेकिन निर्दोष नहीं थे। बागी पान सिंह हत्यारा नहीं है। ठीक का आप जे जो छपेगो तो तरक्की होगी जी दादा। जलाओ अपनी बहन को मिठाई खिलाओ। जाओ क्या वहां यार इतने पत्रकार बैठे रहे और तू बिन पे अपना तीर चलाते रहे हो? तूने अपनी आंखें देखो है पान सिंह कैसे है क्या वैसे ही तीर चला रहे हो? अरे छोटी दुकान छोटी बातें, रोटी तोड़ी अब इनके साथ, अब देखना विधानसभा कैसे हिलती है। आज बंबई के एक अस्पताल में मशहूर अभिनेता का देहांत हो गया। वो एक लंबे समय से कैंसर की बीमारी से जूझ रहे हैं। क्या कर रहा है? जल्दी हटाए ना, डंगर है मालिक, हट जाएंगे अपने आप। बहुत जल्दी है, अंदर का जा कर रहा है। चल देख रहे हैं कि एक राउंड में काम है, जागो के ना। समुदाय की नौ लोगों की सरेआम हत्या करने वाला डाकू पान सिंह तोमर आराम से ग्वालियर में बैठा अखबार में अपना बयान देता है। विपक्ष ने इस वारदात क्या सर आपने गोली चलाने का मौका ही नहीं दिया। मुरैना जिले में गोली चलाने के लिए मौका नहीं मूड होना चाहिए। आज मूड था तो मार दिया। डिक्की खोल। इसके घर पे खबर कर दो पकड़ मिल गई है। जी चल मोड़ा बाहर आजा। डर मत बेटा, जे पुलिस की वद्दी में पुलिस ही है। आजा चल। फिर पकड़ गए हराम खोर, सुधरोगे ना तुम लोग? सर हाँ हुकुम। वैसे तो पान सिंह का एरिया भिंड है पर उसके परिवार के लोगों के और गैंग वालों के घर मुरैना जिले में भी हैं। देखो राठौर, मैं चाहता हूं कि पान सिंह सरेंडर हो जाए। कुछ भी हो नेशनल चैंपियन रहा है भैया, कभी कंट्री का वास्ते इनाम लाता था, आज उसके सर पे इनाम है। पर कुछ लोग सरेंडर की नहीं एनकाउंटर के मूड में। हुकुम
सर आप बताएंगे ये सब कैसे हुआ? का कैसे हुआ, हम लोग तो गश्त पे थे, ढूंढ रहे थे पान सिंह को, गैंग मिल गो कोई और, तो एक गैंग और कम है गो। राम राम सुबेदार। घीस और पहलवान तुम संग आओ, बाकी तेरे को आओ। देखो पान सिंह, पुलिस की दबिश बढ़ती जा रही है, कल से तुम अल्लाह के 10 आदमी मात दिए गए। ये जो गुजरन के 9 आदमी तुमने मात दे हैं ना, और साथ में जो अखबारबाजी कर दी है, ताक आज ये सब तमाशा है रहो है। तो साफ साफ बता दो आप लोगों की मर्जी का है, हम क्या करें? देखो पान सिंह, ये सब तुम्हारे चक्कर में है रोए, जो तुम सरेंडर कर दो तो सब ठीक है जाएगा। हमको डरना है, आप लोगों को डरे तो आप कहीं नहीं कर देते सरेंडर। जा लड़कपन वाली बात तो करना तू, तू सरेंडर कर देगा सब ठीक ठाक है जाएगा। बाबा आप कभी रेस दौड़े हैं? बाबा रेस को एक नियम हो तो है, एक बार रेस शुरू हो गई फिर आप आगे हो के पीछे हो, रेस को पूरा करना पड़ता है, वह दूर वह फिनिश लाइन, वह को छूना पड़ता है। तो हम तो हमारे रेस पूरी करेंगे, हमारे के जीते, आप करे साहब जानू बाबा। इतना भी का जरूरी काम होगा जो अभी जानो पड़ रहा है? अरे मन कर रहा है, सोचा मिले आए। आपका अकेले जाना हमें अच्छा नहीं लग रहा है सुबदार। अरे पुलिस ढूंढ रहा है हमको बिहार में, हम जा रहे हैं शहर, तो पुलिस ढूंढा पूरा गैंग, इसलिए हमारा अभी साथ में रहना ठीक ना है। सब लोग 3-3, 4-4 जन का ग्रुप बनाओ और अलग हो जाओ, दूर दूर चला जाओ। ठीक 1 महीना बाद हम लोग मिलेंगे गुरैया खेड़ा में, 1 महीना बाद। और ध्यान रहे अपना गैंग का अलावा काऊ पे भरोसा मत करिए। ऊंचाई तो ज्यादा है, इसकी ऊंचाई ज्यादा है, पान सिंह सर इसी ऊंचाई पे प्रैक्टिस करते थे। बस 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 उतरे उतरे उतरे, भालू को पता ना लगे तो अच्छा है। अरे कहीं नहीं पापा। क्या है कि अब हम सिर्फ पापा नहीं रहना, जच रो है, आर्मी को जवान लग रो है। आप कमजोर हो गए। हाँ उम्र है गई। सुनो तुम्हारी शादी की बात चल रही है, वो लड़की वो जालौन जालौन की है लड़की है, मन माने देखी है, बाकी 4 भाई है। हमारे नाम से करो परेशानी तो ना आई, आप ही के कारण तो राजीव है। इनके खानदान में किसी की फोटो न छपी अखबार में आज तक। चलो हमारी बदनामी काम तो आई, अब हमारी मम्मी कैसी थी? फिकर करती हैं। हम सोचे मिले आए तो संदेशा भेजा दो बागो। जाओ 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 जाओ।
साथी हमसे मिलने से बहुत आफत आ जाएगी क्या? जो डर लग रहा चले जाएंगे। और डर कौन रहा है पहन का टका? तू एक काम कर। हाँ जी। तू सरेंडर कर दे। ओए होर कोई रास्ता नहीं बचा तेरे वास्ते हुण। मतलब ये कि हम मान ले कि हमसे गलती है गई थी, अब आप हमें माफ कर दे। और तु... सारी जिंदगी हम सरेंडर बागी के नाम से जाने जाएं, हैं? बिन सालों से कुछ सवाल को नहीं पूछते जो बनाते हैं साले कुत्ते लोग बागी। पहले बेकार है सबके सब सरेंडर, फिर हम करें सरेंडर। समझा रहे, ये ले जा रहे हैं हम, बुरा मत मानना। फोटो ले जा रहे ना। फिर यहां किस वास्ते आया था तू? आपकी गाली सुनने आ गए थे कोच सर जी। क्या पता जिंदगी में कब मौका मिले पीर। याद आ गई थी वो तगड़ी। दे आ गए। चलो जानकी ले लो, ले लो। और तुम्हारे पंडित कछु कह रहे हो हमारे जन्म पत्री देख के? बोले सरेंडर रह जाओगे। अरे वैसे ये तुम्हारे पंडित सरेंडर रह जाएंगे, सरेंडर रह जाएंगे। सरेंडर का मतलब पता है? फर्जी है तुम्हारे पंडित, तुम्हें खुश करने के लिए कह दिए। अरे तुम फिक्र मत करो, जो थोड़े दिन की गर्मा गर्मी है सब ठंडे रह जाएंगे। फिर कब आओगे पापा? जब पांव ले आवेंगे बेटा। सरेंडर रह जाओगे ना? अरे तुम्हारे पंडित का सरेंडर का मतलब कछु और हो। अब एक ना एक दिन तो सब ही को होना है सरेंडर। अरे बस 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 बेटा पानी पिला जी। आए हुजूर, हम तो छोटी जात हैं। जात पात कछु ना होत कक्का, इंसान इंसान के काम आना चाहिए। अब जिसके हाथ के खाए हुए से धर्म भ्रष्ट हो जावे, ऐसे धर्म को तो भ्रष्ट ही हो जाना चाहिए। क्यों सही कही ना? आए हुजूर, कभी गलत बोले हैं का? अच्छा ये जो पान सिंह की गैंग में गोपी है, बाकी ससुराल भी यही है ना? हाँ यही है। आ तो रहते इधर? हाँ आ तो रहते है, ब्याह शादी में तो आ बताइए। बाकी औरत तो यही डरी रहता है। इस बार आए तो मुलाकात कराओ, भला है जाओ बाको भी हो तुम्हारो भी। हमारे मोड़ा है, पुलिस ने बत्ती कराए दो, हम आओ भलो तो तब हो। आपने कह दी समझाएगी। बस बेटा बस, अब तो तुम्हारी भत्ती की दावत खाएंगे बस, और क्या। काम जरूरी है, जल्दी जाना चाहिए। हाँ है जाओ। हाँ जय राम जी की। तुम्हें हमारे बड़े फिक्र होने लगी काका। क्या है? तो बताओ कैसे? चाचा हम कहते हैं कि राजस्थान चले चलो। अरे तुमको राजस्थान से इतना का पैर हो गया, कोई रखेल पा लिएगा? रुकना नहीं है, रात रात बॉर्डर पार करके यूपी निकल जाएंगे। थोड़ा रुकबे में हर्ज क्या होगो? कहा थक गए? मिठाई लाए हैं, लड्डू खाए के निकलते हैं। रुको रुको रुको,
अरे तुम ही खाओ, ये वालों नहीं, ये वालों खाओ, ये वालों खाओ। हाँ दूजे तो चलते चलते भी खा सकते हैं। क्या कही सास से कि गैंग के लाने लड्डू बना दो? अरे यार बगल के गांव में शादी थी वहीं से लाए। वैसे सुबेदार नाव से तगड़ी पार्टी आई है, मोटी पकड़ है? नहीं नहीं अभी कुछ दिन ठंडो पड़ो रहना है। कब है उससे? लोगों को जय न लगना चाहिए कि पान सिंह तोमर को गैंग पुलिस से डर के बैठ गई है। जयवा साली अखबार में भी छप गई। देखो भी पार्टी तगड़ी है। अरे अगले सनिचर की शादी है, चार पांच पकड़ से कम ना होगी सुबेदार। चचा हम आओ मानो तो राजस्थान ही चले चलते हैं। जाएंगे पकड़ लेके राजस्थान निकल जाएंगे, लेकिन अब पुलिस से डर के चुप ना बैठेंगे। गोपी तुम्हारे ससुराल भरोसों को है? मैं ससुराल हो तो चचा तो बस रुक जाओ। कहा भाव जे साक्षात यमराज दिख रहे है। गोपी हाँ देख क्या गांव में सभी ठीक है क्या? इसको लेके आ जिससे घर में रुकेंगे। ठीक है काका। हाँ हाँ आए रहे हैं। आए गई गैंग यहाँ गांव के बाहर खड़ी है। अच्छा सुधा चाचा ने बुलाया। अरे छोटे लाल तू जाए के राठौर साहब ने बुलाया। मैं क्या रहा हूँ भाज के जा। आ जाओ जो। अरे कहा लल्ला कहा तक रहो इतनी दूर से? गोविंद राम जी आओ। बंदोबस्त पूरा है? इतने कम वक्त में जो हो पाएगा उसे जरूर करेंगे हुजूर। तो गैंग तक वो दिख रहा है, रात को इधर ही रुकेंगे, सुबह सुबह पकड़ लेके निकल जाएंगे। हाँ अरे गोपी कितने? हाँ आयो तू सुबह सुबह निकल जाना पकड़ वाले गांव को, और उन लड़कों को किसी बहाने बाहर ले आना। ठीक सरदार। इंतजाम हो गया? हाँ हैगा। खाना तैयार है, तुमको खाना पड़ेगा। और इसका क्या करोगे? कह देंगे छोड़ रखिए, नहीं तो कछु बहाना कर देंगे। दवाई तो नाप तोल के डाली है ना? हाँ नाप के डाली है। सुबेदार को शक भयो तो जान से जाएंगे सब। कहे गोविंद राम जी तुमने छोड़ दी? हाँ साहब हमने तो छोड़ दी, बस पिछले साल टीबी है गई होती तभी से छोड़ दी। अच्छा बस इतनी सी? यही अमोनियम है, सीमा में दारू दबा उसके बाद सबको बुलाओ। गैंग वालों को बोलो थोड़ी थोड़ी पियो जो सोने के लिए। तुम पियोगे? ना अच्छा जिंदगी अकेलेपन और सुनसान राहों से गुजर रही थी कि आप जैसे दोस्त मिल गए, फिर बाकी जिंदगी के भी लग गए। क्या होगा? हमने कही थी मौत आ गई है, कुत्ता ने पूरा गांव घेर रहा है,
पुलिस लग गई। हाँ। बंदूक बंदूक गोविंदराम कौन है मुखबरी? हमें नाई बतो साहब, हमने नाई करी हुजूर। को मुखबरी करो? हुजूर हमने नाई करी, हमने कतई नाई करी। हमें का नरक में जाना है साहब, हमें नरक में नहीं जाना हो। तो हम पर तो वैसे ही आपके इतने उपकार। किधर लगी पुलिस? नहर पे लगी है। गैया गैया का बंदोबस्त करो। एलएमजी पे गुरखा बैठो है, वो ना सुनेगा। गोपी को बुलाओ। बम और गोली का थैलो तो उसी के पास है, तो गोपी के पास। हेलो ले गो। वो साला एन वक्त पे निकल गया जाने कब सालो। कितनी पुलिस है? 500 होगी। तो गांव से निकलो एक ही रास्ता है, वहां पे पुलिस लगी है और हम वहीं से निकलना है। बोबू निकालो, बोबू। बोबू तैयार है दादा। कोई बॉय रास्ता से निकलना है, चलो चलो सब चलो। बंदूक कहां है मेरी? देखो नहर वाला रास्ता से निकलना है, सब लोग मजबूती से निकलेंगे। स्काउट फायर बेस बना के निकलेंगे, स्काउट फायर बेस बना के निकलते रहो। किसको लगी? गोविंद गोविंद। कितनी लगी? गयो देखो, भगने को एक ही रास्ता है। बह नहर पार करनी पड़ेगी। हम जिस रास्ते से निकलेंगे वे हम पे अटैक करेंगे, तुम पीछे खेतर में से भाग जाना। मैं निकली वो गांव में जो शराब पीती ना, लगता है वहां में कुत्ते ने जहर मिला दो है। तुम्हों को नसों चढ़ रहा होगा। किधर जा रहे? एम साहब को वायरलेस कर दे, ऑपरेशन खत्म है। गया यस सर। चलो रे जाके लाश गिनो, चलो जाओ। पर जब पान सिंह की लाश नहीं मिली अभी तक। सुविधा दादा दादा सब खत्म है गए, सब खत्म है गए। तुम तो बचे हो रामचरण,
लंबाई मंजिल तुझे खीर तोड़ के नहर के उस पर जानो है। हमारी कहानी सुनाई हो। खेल के मैदान में दौड़ने वाला पान सिंह ने अपनी रेस पूरी की, सरेंडर नहीं की हो। चलो फिर मिलेंगे रामचरण। ओ सरकारी टुकड़ा पे फलने वाला दरोगा, जगह कभी मरो नहीं है। पान सिंह जिंदा है, मैं कभी सरेंडर ना करेगा। अरे बड़ा बड़ा ना पकड़ पाया पान सिंह को, तू क्या पकड़ेगा? और 5-10 बटालियन बुलाना, बुला ले। आज पान सिंह को पकड़ के दिखा। जाओ रात के तारे सीने में चुभते हैं उजाले, नींदों में खंजर ख्वाब हैं बंजर। चल गए चांद तुम्हारे, ओ जल गए चांद तुम्हारे। रे 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 रे
जाओ रात के तारे सीने में चुभते हैं उजाले नींदों में खंजर ख्वाब हैं बंजर जल गए